हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेके आया हूँ यह है सिसाई पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। बहुत बढ़िया कंपनी कहूँगा मैं इसको, आपको एक सिसा पेपर के नाम से जाना जाता है और आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट भी आएगा, बहुत बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट। अगर आप बढ़िया कंपनी इस तरीके से मैं कह रहा हूँ इसको देखिए आप, अगर पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 350% का इसने रिटर्न दिया है। इसके सेक्टर ने यानी कि पेपर इंडस्ट्री का ये स्टॉक है उसने ओनली 141% का रिटर्न दिया, जहाँ पर इसने 350% का रिटर्न दिया, तो बहुत बेहतरीन स्टॉक को मैं इसको कहूँगा। और अगर आप देखिए पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखिए, इसमें भी इसने ऑलमोस्ट 30% का रिटर्न दिया है। और जहाँ पे सेंसेक्स देखिए पिछले 1 साल का कंपैरिजन करें तो सेंसेक्स बहुत नीचे गिर चुका है, ओनली 0.6% का रिटर्न सेंसेक्स ने दिया है, इस स्टॉक ने 29% का रिटर्न दिया, तो बहुत बेहतरीन कहूंगा मैं स्टॉक को। चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में और इसके रिजल्ट के बारे में कैसा रहा इसका रिजल्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब ये देखिए आज इसका रिजल्ट आया है, प्राइस अभी इसका 1030 रुपीज के अराउंड प्राइस है, 1030 रुपये का। 52 वीक हाई देखा जाए तो 1328 का है, 52 वीक लो जो है वो 727 का है। अगर आप देखें स्टॉक मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स में गिरावट है, काफ़ी क्या ऑलमोस्ट सभी स्टॉक में गिरावट अभी चल रही है, लेकिन अगर कोई स्टॉक 3000 से 2000 पे या 1500 पे आ गया है तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक अच्छा है। तो ऐसे टाइम पे आपको अच्छा स्टॉक, अच्छा बिजनेस ढूंढना होता है जिसका अच्छा काम आगे वो रिकवर भी कर पाएगा प्राइस। कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक का बिजनेस ही अच्छा नहीं चल रहा है, इसकी वजह से वो नीचे गिर रहा होता है, और जब मार्केट डाउन होती है तो उसमें और ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जो पेपर इंडस्ट्री है बहुत अच्छा ग्रो कर रही है अभी कुछ टाइम से, और आगे इलेक्शन भी सर पे हैं तो बहुत यूज़ होता है पेपर इलेक्शन के टाइम पर, और जितने भी आप देखें तो अच्छा खासा यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलती है पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स में। अगर पिछले 1 साल से देखा जाए तो पेपर इंडस्ट्री के स्टॉक्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिए हैं। अर्निंग पर शेयर देखिए इसकी 101 रुपीज़, तो बहुत बेहतरीन मैं इसको कहूँगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1300 करोड़ का है, और मतलब ये मान के चलिए हर 100 रुपये पे 10 रुपये का अर्निंग पर शेयर इसका है, तो अच्छा कहूँगा मैं इसको। बुक वैल्यू देखिए 575 की, प्राइस टू बुक वैल्यू का जो रेशियो है 1.79 का, एक टॉप का स्टॉक है पेपर इंडस्ट्री में सिसाई पेपर एंड बोर्ड्स लिमिटेड। अब ये देखिए रिजल्ट देखते हैं रिजल्ट कैसा रहा इसका। रिजल्ट आज ही 27th को रिजल्ट आया, अभी 1:30 बजे के अराउंड रिजल्ट आया। देखिए टोटल इनकम की सबसे पहले मैं बात करूंगा, 335 करोड़ की टोटल इनकम इस बार इसने शो करी है, लास्ट क्वार्टर में जो की थी 277 करोड़ की, तो यहाँ पे ये मान के चलिए अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, ऑलमोस्ट 60 करोड़ के पार जो है जंप देखने को मिला है टोटल इनकम में पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में यही टोटल इनकम 229 करोड़ की थी। चलिए ये रही बात टोटल इनकम की, अब हम बात चलते हैं प्रॉफिट की, फाइनल प्रॉफिट पे, जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उस पर करते हैं बात। तो ये देखिए अगर हम प्रॉफिट पे जाते हैं तो प्रॉफिट हमको यहाँ पे कितना दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में था 26 करोड़ का, और लास्ट ईयर भी 26 करोड़ के अराउंड का था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मैं कहूँगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल के अराउंड प्रॉफिट हो गया, 90 से 92-93% का इसको प्रॉफिट कहूँगा, इतना जंप देखने को मिला इसके प्रॉफिट में, अच्छा जंप है। क्वार्टरली प्रॉफिट आप देखिए इतना बेहतरीन तरीके से जंप किया गया, ऑलमोस्ट 90 से 95% के बीच में ये है इतना प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट। अगर आप अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर देखिए 21 रुपये का हुआ करता था, यही 39 रुपीज़ 40 रुपीज़ का अर्निंग पर शेयर हो गया है, तो अच्छी बात है, अच्छा स्टॉक है, अच्छी रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। टोटल डेट की बात करें तो 91 करोड़ का टोटल डेट है, एंड टोटल एसेट्स ऑलमोस्ट 800 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं सिसाई पेपर के। डिविडेंड देखिए आप अगर कोई कंपनी रेगुलरली डिविडेंड बढ़ा रही है अपना, देखिए 4 रुपये डिविडेंड हुआ करता था, 2016 में 5 गया, 2017 में 10 गया, और 2018 में 15 रुपये डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया, तो अच्छी बात है, मतलब कि डिविडेंड बढ़ा रही है, प्रॉफिट हो रहा है, कुछ कहीं से पैसा आ रहा है तभी लोगों को बांट रही है, तो ये है। आप ये देखिए ग्राफ देखिए कितना बढ़िया, पिछले 5 साल का ग्राफ, अच्छा खासा ग्राफ, बिल्कुल ग्रोथ अप ट्रेंड दिख रहा है कंपनी में। थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे यहाँ पे हाई गया फिर लो आया, लेकिन ट्रेंड ओवरऑल अप ट्रेंड है। आप ये देखिए इस स्टॉक का अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूँ तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ये चल रही थी बहुत स्लो, और अभी के टाइम पर इसका जो चैनल है प्राइस चैनल अगर है वो देखिए, वो अब देखिए अभी मैं आपको ड्रॉ करता हूँ प्राइस। स्टॉक मार्केट में एक चीज़ ध्यान रखिए, प्राइस ऑलवेज मूव्स इन चैनल्स, प्राइस चैनल होता है एक और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट भी कर सकती है, मतलब कि कभी गिरावट देखने को मिली तो फिर से वैसी हो सकता है। तो आप ये देखिए इस स्टॉक में आपको खुद दिख रहा होगा कि एक ये चैनल बने हुए, ये दो, ये देखिए इस चैनल में प्राइस मूव कर रहा है अभी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी अच्छा है, तो और उम्मीद है यहाँ से ऊपर बाउंस बैक करने की। ये एक सपोर्ट जोन दिख रहा था मुझे, सपोर्ट का ऐसा नहीं होता कि क्योंकि एक पॉइंट होता है कि 900 रुपये से बाउंस बैक करेगा, एक जोन होता है 15-20-25-30 रुपये का एक जोन होता है। देखिए ये जोन जहाँ पे मुझे ये जोन दिख रहा था सपोर्ट का, वो ये जोन दिख रहा था ऑलमोस्ट
950 से 1000 के रुपीज के बीच में का जोन दिख रहा था, तो यहाँ से बाउंस बैक का जोन दिख रहा था। अभी बाउंस बैक हुआ भी है, ये स्टॉक यहाँ से 950 से 1000 रुपये के अराउंड आया था, फिर यहाँ से बाउंस बैक हुआ है। और ये देखिए थोड़ा और अगर नीचे गिरावट आती है तो आपको इस लेवल पे भी कहीं पे जोन मिल सकता है इस स्टॉक में, लेकिन उस टाइम पे क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो थोड़ा और गिरावट के चांसेस आपको दिखेंगे। और एक सपोर्ट की लाइन जो है वो 700 रुपीज़ की लेवल पर भी है, क्योंकि गिरावट है तो हमको इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि आगे स्टॉक में और गिरावट आ सकती है। लेकिन अगर आप देखा जाए, आपको यहाँ पे इतना अच्छा रिजल्ट आया है तो यहाँ से जंप जरूर देखने को मिलेगा, तो इस लेवल पे वापस इस लाइन पे जो आप ट्रेंड लाइन है इस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आप इसको जैसे देखिए, पिछला हाई ये था, फिर अगला हाई और ऊपर है, तो इससे आप ऊपर जो हाई आने वाला है, जो जाने वाला है और ऊपर आएगा, इन लेवल्स पे कहीं पे आ सकता है। तो आप ज़रूर इसका भी ध्यान रखिए कि कब का प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप देखें, ये लो था, फिर ये लो ऊपर आया, फिर ये लो और ऊपर आया, ये लो थोड़ा सा इससे हल्का सा ऊपर ही है, ये लो देखिए अगर इसमें नीचे और नहीं गिरता तो ये उससे ऊपर का लो है। तो इस तरीके से बहुत बेहतरीन स्टॉक ये मुझे दिख रहा है। और अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो 27% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 18% के, बहुत बेहतरीन स्टॉक स्मॉल कैप का ये पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक। रिजल्ट अच्छा है, बेहतरीन रिजल्ट मैं कहूँगा इसको। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।